हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2.1 ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस लेंगे. ओके, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से है. टू चार्जेस 5×10⁻⁸ कूलम्स एंड −3×10⁻⁸ कूलम्स आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट. ओके, तो ये दोनों चार्जेस हैं, इनके बीच की डिस्टेंस जो है हमें 16 सेंटीमीटर्स दी गई है. ये चार्जेस की वैल्यूज हो गई, ठीक है. और बाय डिफॉल्ट हम ये चार्जेस को पॉइंट चार्ज लेके चलेंगे. यहाँ पे कुछ रिफर नहीं करा गया है, लेकिन अगर हम इन्हें पॉइंट चार्जेस नहीं लेंगे तो फिर हमें और भी एडिशनल कंडीशंस कंसिडर करनी पड़ेंगी. तो अगर नहीं दिया जाता है तो बाय डिफॉल्ट हम ये चार्जेस को पॉइंट चार्जेस लेके चलेंगे. ओके, और अगर ये क्वेश्चन में एग्जामिनर कोई और तरीके के चार्जेस देता जिनकी वजह से हमें पोटेंशियल निकालना होता तो वहाँ पे डिटेल में रिफर करा जाता है, ठीक है. तो मेरे ख्याल से ये दोनों हमारे चार्जेस जो है ये पॉइंट चार्जेस ही होंगे. ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है. तो हमें आगे बताना, एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो. तो इस तरीके से दो चार्ज से पास करती है, अगर हम एक लाइन बना देंगे तो हमें बताना है कि इस लाइन पे हमारे वो कौन से पॉइंट्स होंगे जहां पे पोटेंशियल हमारा जीरो है. और लास्ट लाइन जो हमें दी गई है वो इस तरीके से है कि टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी जीरो. तो जो ये जो लास्ट सेंटेंस एक्चुअली दिया गया था उसमें ये दिया गया है कि टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी एस जीरो. तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर ये दोनों चार्जेस नहीं रहेंगे, मतलब थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए ये दोनों चार्जेस यहाँ पे नहीं रखे हैं, तो इन दोनों चार्जेस को अगर हम एग्जिस्टेंस हटा दें दोनों चार्जेस का, तो इस लाइन पे हर एक पॉइंट का पोटेंशियल जीरो रहेगा. इन अदर वर्ड्स, अगर इन्फिनिटी का कोई पोटेंशियल होता तो हर एक पॉइंट का भी वही पोटेंशियल होता है जो इन्फिनिटी का होता है. तो अगर ये लाइन को अगर आप इग्नोर भी कर देंगे इस क्वेश्चन में तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज वी हैव टू टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी जीरो. तो आई होप ये क्वेश्चन अब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा. अब इसका एनालिसिस करेंगे और सॉल्व करेंगे. एक्चुअली ये क्वेश्चन अगर हम चाहें तो एक मिनट में सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन में है नहीं, लेकिन कुछ बातें इसमें कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हैं जो अगर आप इसे अच्छी तरह स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा, और आगे चल के जो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगी. ओके, तो हमने ये मान लिया कि P इज एनी पॉइंट एट विच पोटेंशियल इज जीरो, ठीक है. तो P हमारा पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाया करेगा जहां पे पोटेंशियल जीरो के बराबर है. तो P हमारा कहीं पर भी लोकेटेड हो सकता है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, मतलब लेफ्ट ऑफ चार्ज ए, बिटवीन द चार्जेस ए एंड बी, एंड राइट ऑफ द चार्ज बी. ओके, तो पहला जो कंडीशन हमने बताई थी जहां पे P लोकेटेड हो सकता है, पहला जो केस लिया था उसमें ये बोल रहा था कि द चार्ज इज ऑन द लेफ्ट ऑफ ए, एंड यहां पे लिखा हुआ है इट इज नॉट पॉसिबल. तो यहां पे ये कंडीशन पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि Q1 इज ग्रेटर देन Q2, ठीक है. अगर Q1 और Q2 हमारे सेम तरीके के चार्जेस होते हैं तो पोटेंशियल कहीं पर जीरो हो ही नहीं सकता, ठीक है. बिकॉज Q1 हमारा पॉजिटिव है और Q2 हमारा नेगेटिव है, तो कंडीशन बन सकती है जहां पे पोटेंशियल हमारा जीरो होगा, ठीक है. दूसरी बात, यहां पे ये Q1 चार्ज की वैल्यू बड़ी है Q2 चार्ज से, तो अगर हम यहां पे पॉइंट कोई भी कंसिडर करेंगे तो यहां पे Q1 की वजह से पोटेंशियल हमेशा ज्यादा रहेगा और Q2 की वजह से पोटेंशियल हमेशा कम रहेगा, और टोटल कभी भी जीरो मिल ही नहीं सकता हमें. और राइट ऑफ द चार्ज भी अगर हम पॉइंट कंसिडर करेंगे तो Q2 के बहुत क्लोज पोटेंशियल काफी ज्यादा रहेगा. सिंस Q1 का चार्ज बड़ा है तो यहां पे पॉसिबिलिटी है कि Q1 की वजह से जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू इस तरीके से आ जाए कि नेट जो टोटल हो वो जीरो हो जाए. तो राइट ऑफ द चार्ज भी की कुछ पॉसिबिलिटी है. इन बिटवीन तो 100% पॉसिबल है कि यहां पे कोई बीच में एक पॉइंट मिलेगा जहां पे पोटेंशियल हमारा जीरो के बराबर होगा. ओके, तो अब देखते हैं कि हम किस तरीके से आगे इसकी कैलकुलेशंस करेंगे. तो केस वन, व्हेन द पॉइंट पी लाइज बिटवीन द चार्जेस ए एंड बी, ठीक है. तो पॉइंट पी हमने मान लिया इन दोनों चार्जेस
ए और बी के बीच में लाया करता है, कहीं यहाँ पे लोकेटेड है, और इसकी जो डिस्टेंस है वो बी चार्ज से एक्स के बराबर है, तो ए चार्ज से कितनी हो जाएगी 0.16 माइनस एक्स। ओके, तो इस पॉइंट पी पे जो टोटल पोटेंशियल होगा चार्ज ए की वजह से और बी की वजह से जीरो के बराबर होगा। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं वी ए प्लस वी बी इज इक्वल टू जीरो, और वी ए की वैल्यू कितनी आएगी 1/4πε0 क्यू अपॉन आर, तो q की वैल्यू और r की वैल्यू यहां पे रख दी, और दूसरे चार्ज की वजह से पोटेंशियल 1/4πε0 q अपॉन r, तो यहां पे q की वैल्यू -3×10⁸ और x रख दी। ठीक है, अब यहां से 1/4πε0 और 10⁻⁸ हम कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल के बाकी टर्म्स का इस तरीके से रख दिया, बिकॉज ये हमारी इक्वेशन है तो याली टर्म को हम हटा सकते हैं। हमें फिर आगे वैल्यू हम लिख सकते हैं 5/0.16 माइनस एक्स माइनस 3/x इज इक्वल टू जीरो, या 5/0.16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 5x इज इक्वल टू 63 से 48 होता है तो 0.48 माइनस 3x, ये इधर जाएगा 3x, तो माइनस 3x इधर जाएगा तो प्लस 3x बन जाएगा, तो हमें मिलेगा 8x इज इक्वल टू 0.48 या x इज इक्वल टू 0.06 मीटर्स। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट P है इट इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द चार्ज B, ओके, और 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द चार्ज A। अगर हम ऐसा यूनिट में लिखेंगे तो ये डिस्टेंस जाएगी 0.06 मीटर्स या 0.1 मीटर फ्रॉम चार्ज बी एंड चार्ज ए रिस्पेक्टिवली। ओके, नेक्स्ट केस हम लेके चलते हैं, पॉइंट बी यहां पे लाया कर रहा है, ठीक है, तो इसकी जो डिस्टेंस हमने मान ली ये चार्ज बी से एक्स के बराबर है, तो ए से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी एक्स प्लस 0.16। ठीक है, सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे कि ए की जो नेट पोटेंशियल हमारा जो है इस पॉइंट पी पी जीरो रहना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वी ए प्लस वी बी की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी इक्वल टू जीरो, वी ए की वजह से पोटेंशियल और वी बी की वजह से पोटेंशियल हमने लिख लिया जैसे प्रीवियस केस में करा था, सिर्फ यहाँ पे प्लस एक्स आएगा, बाकी पूरी इक्वेशन हमारी सेम रहेगी। अगेन कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है, और अगेन इस तरीके से हम इक्वल टू जीरो प्लेस कर देंगे इस ब्रैकेट वाली टर्म को, या आगे हम लिख सकते हैं 5/0.16 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा 5x इज इक्वल टू 0.48 प्लस 3x, ये 3x इधर जाएगा तो ये बन जाएगा 5x माइनस 3x या 2x, तो हम लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 0.48 और x इज इक्वल टू 0.24। ओके, तो x की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 0.24, तो इसका मतलब क्या है कि पॉइंट P इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.4 मीटर फ्रॉम द चार्ज B, ओके, या ये अगर हम 0.24 में 0.16 ऐड कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा 0.4 और 0.4 मीटर फ्रॉम द चार्ज A। अब एक लास्ट बात हम यहां पे कहना चाहेंगे, अगर गलती से आपने ये मान लिया है कि ये जो चार्ज हमारा जो लोकेटेड है इट इज लोकेटेड एट द लेफ्ट ऑफ ए, ओके, तो इस केस में आपको एक्स की वैल्यू जो है वो नेगेटिव मिलेगी और आपको पॉइंट यहीं पे मिलेगा जहां पे ये पॉइंट पी लोकेटेड है इन द केस टू। ठीक है, तो अगर आपको पहले से पता है कि यहां पे नहीं हो सकता है तो आपको काफी हद तक क्वेश्चन की नॉलेज है, कॉन्सेप्ट की नॉलेज है, टीचर को पता चल जाएगा। अगर आप गलत ले लेंगे तो फिर अगर आपकी छोटी मोटी भी कोई गलती होगी ना तो टीचर समझ जाएगा कि अनाड़ी बंदा है, इसे कुछ आता नहीं है। ओके, तो अगर आप समझदार हैं तो आपको समझदारी अपनी बतानी भी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आई होप आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा, थैंक यू। ठीक है, क्वेश्चन 2.2 फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस फ्रॉम एनसीईआरटी फिजिक्स टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 12। The question is, a regular hexagon of size 10 cm has a charge 5 mu coulombs at its vertices. Calculate the potential at the center of the hexagon. तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इस तरह से है कि एक हमारे पास रेगुलर हेक्सागन हमें दिया गया है और इसका सेंटर ओ के बराबर है,
और सारी जो वर्टिसेस हैं इसके ऊपर चार्ज रखा हुआ है और चार्ज की वैल्यू 5 U कूलम्स के बराबर है, ठीक है। और इनकी वर्टिसेस हम चाहें तो ए बी सी डी ई और एफ से हम नेम कर सकते हैं, ओके। और इसकी एक साइड की लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। तो हमने क्या करा, ये पॉइंट ओ जो है सेंटर, सेंटर वो पॉइंट होता है किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का जिससे सारी जो वर्टिसेस रहती हैं उसकी डिस्टेंस इक्वल रहती है, ओके। तो ये ओ हमारा सेंटर है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ ई और ओ एफ सबकी लेंथ हमारी इक्वल रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट बात रेगुलर हेक्सागन की ये होती है कि इन अ रेगुलर हेक्सागन डिस्टेंस ऑफ एनी वर्टेक्स फ्रॉम द सेंटर इज सेम एज द लेंथ ऑफ इट्स साइड, ठीक है। तो जो भी साइड की लेंथ होगी वही लेंथ होगी किसी वर्टेक्स की और उसके सेंटर के बीच में, ठीक है। तो सेंटर से किसी भी वर्टेक्स की जो डिस्टेंस रहती है रेगुलर हेक्सागन में उसकी लेंथ ऑफ द साइड के बराबर रहती है। और इसका रीजन क्या रहता है कि जो रेगुलर हेक्सागन को अगर आप स्टडी करोगे तो आप ये देखोगे कि ये जो ट्राइंगल बनते हैं किसी भी एक साइड, किसी कोई भी एक साइड लीजिए और उसे आप क्या करिए सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए, तो आपको यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल मिलेगा, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तो इस वजह से ये जो डिस्टेंस आएगी ओ ए और ओ बी ये ए बी के बराबर रहेगी, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द वर्टेक्स हमेशा लेंथ ऑफ द साइड के बराबर रहती है किसी भी रेगुलर हेक्सागन में। तो जो पोटेंशियल एट द पॉइंट ओ इन सबरे चार्जेस की वजह से हमें कैलकुलेट करना है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, दिस विल बी इक्वल टू वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी प्लस वी डी प्लस वी ई प्लस वी एफ, जहां वी ए इज द पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ए एंड सिमिलरली वी बी इज द पोटेंशियल एट द पॉइंट ओ ड्यू टू द चार्ज प्लेस्ड एट दिस वर्टेक्स बी एंड सो ऑन, ओके। और आपको बताइए कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होती है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, जो नेट पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ओ होगा इट विल बी इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल ड्यू टू ऑल द चार्जेस, ठीक है। फर्दर वी ए वी बी वी सी वी डी और वी एफ की वैल्यू आपस में इक्वल रहेंगी, क्यों रहेंगी, क्योंकि सबरे चार्जेस इक्वल हैं, डिस्टेंस इक्वल है और चार्जेस के साइंस भी सेम है। तो हम लोग यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि जो वी ए की जो वैल्यू रहेगी जो कि वी बी वी सी वी डी वी ई और वी एफ के बराबर रहेगी, इसकी वैल्यू आएगी 1/4π0 क्यू अपॉन आर। क्यू हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, जो चार्ज है किसी वर्टेक्स के ऊपर रखा हुआ और आर बीच का डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो हम लोग चार्ज की वैल्यू जो 5 U कूलम्स दी थी उसे ऐसे यूनिट में लिख देंगे, 5 × 10⁻⁶ कूलम्स, आर की वैल्यू 10⁻⁻⁶ वैल्यूज प्लेस कर देंगे। कैलकुलेशन काफ़ी सिंपल है, तो 9 × 5 = 45 ये मिल जाएगा और 10⁻⁹ × 10⁻⁶ और ये 10⁻⁻ ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 10⁻⁹, तो 10⁻³ × 10⁻⁴ 10⁻⁴, तो इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं 45 × 10⁴ वोल्ट्स। तो जो पोटेंशियल इन सब चार्जेस की वजह से आएगा ए बी सी डी ई एफ की वजह से, जो चार्जेस ए बी सी डी एफ वर्टिसेस पर रखे थे उनकी वजह से, दिस विल बी इक्वल टू वी ओ और इसकी वैल्यू 6 × VA के बराबर रहेगी और जिसकी वैल्यू जाएगी 6 × 45 × 10⁴ वोल्ट्स। यहाँ ये वैल्यू आपको बताई है, इट इज़ अ पोटेंशियल ड्यू टू वन ऑफ द चार्ज वी ए और जिसे सॉल्व कर लेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 270 × 10⁴ वोल्ट्स या 2.7 × 10⁶ वोल्ट्स। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। टेकिंग क्वेश्चन नंबर 2.3 फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इस तरह से है, टू चार्जेस 2 μ कूलम्स एंड -2 μ कूलम्स आर प्लेस्ड एट द पॉइंट्स ए एंड बी 6 सेंटीमीटर अपार्ट। तो दो चार्जेस जिनकी वैल्यू हमें गिवन है वो पॉइंट ए और बी पे रखे हुए हैं, 6 सेंटीमीटर अपार्ट रखे हुए हैं, ठीक है। क्वाइट सिंपल कंडीशन है। तो ए पार्ट में हमें क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है एन इक्विपोटेंशियल सर्फेस ऑफ द सिस्टम, ओके। और बी पार्ट में बताना है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सर्फेस, ओके। तो आइए चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन पे अगर आप
नजर डालें ए पार्ट में क्या गिवन है, वी हैव टू आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम, मतलब इस सिस्टम की कई इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकती है लेकिन आपको सिर्फ एक इक्विपोटेंशियल सरफेस आइडेंटिफाई करनी है. ओके, तो सबसे पहले ये चार्ज है जो पॉइंट ए पे रखा हुआ है, ये चार्ज है जो पॉइंट बी पे रखा हुआ है, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो इस तरीके से एक लाइन मिल जाएगी. ठीक है, ये चार्ज Q1 है जिसकी वैल्यू 2 मिकुलम्स के बराबर है, ये चार्ज Q2 है जिसकी वैल्यू माइनस 2 मिकुलम्स के बराबर है. इन दोनों की चार्जेस की बीच की डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर पार्ट, ये मार्क कर लिया. और ये पॉइंट है O, इस पॉइंट O की खास बात क्या है, ये A और B से इक्वल डिस्टेंस पर है. ठीक है, मतलब O की A से डिस्टेंस भी 3 सेंटीमीटर के बराबर है, B से डिस्टेंस भी 3 सेंटीमीटर के बराबर है. ओके, तो पहली चीज हम यहाँ पे ये नोट कर सकते हैं कि द पोटेंशियल एट द पॉइंट O इज जीरो. ठीक है, ये जो पॉइंट होगा यहां पे इन दोनों चार्जेस की वजह से पोटेंशियल जीरो होगा, बिकॉज ये चार्ज इक्वल डिस्टेंस पे रखा है फ्रॉम द चार्जेस एट ए एंड बी. ओके, तो इक्वल डिस्टेंस पे रखे होने की वजह से और दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से लेकिन साइन ऑपोजिट होने की वजह से, जो ए की वजह से जितना पोटेंशियल होगा और बी की वजह से जितना पोटेंशियल होगा उसका जो टोटल करेंगे दैट विल बी इक्वल टू जीरो. ओके, तो नेट पोटेंशियल एट द पॉइंट ओ विल बी इक्वल टू जीरो. ठीक है, आगे इस तरीके से जितने भी हमें पॉइंट्स मिलेंगे जो कि इक्वल डिस्टेंस पर हैं फ्रॉम द चार्जेस एट ए एंड बी विल आल्सो हैव द जीरो पोटेंशियल. ठीक है, तो जितने भी पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पर होंगे फ्रॉम द चार्जेस ए एंड बी उन पॉइंट्स पर भी पोटेंशियल जीरो के बराबर होगा. तो अगर हम कोई एक ऐसी सरफेस बना लें जहां पर सारे पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पर होंगे फ्रॉम द चार्जेस ए एंड बी तो वो हमारी इक्वल पोटेंशियल सरफेस हो जाएगी. और ये हमारी सरफेस इस तरीके से बनेगी कि इट विल बी अ प्लेन. ठीक है, ये जो ऐसी सरफेस होगी जहां पे पोटेंशियल हमारा जीरो के बराबर होगा सारे पॉइंट्स पर तो वो एक इक्वल पोटेंशियल सरफेस होगी. ये हमारा एक प्लेन होगा जो इस पॉइंट ओ से पास करेगा और ये परपेंडिकुलर भी रहेगा टू द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी. तो इस तरीके से अगर हम एक प्लेन बनाते हैं, ठीक है, ये प्लेन क्या है, ये प्लेन ओ से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर है फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी. तो ये हमारी जो सरफेस बनेगी ये हमारी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी जो इस सिस्टम के लिए हम समझ सकते हैं. अब बी पार्ट देखते हैं. बी पार्ट में बताना है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सर्फेस. तो इसका आंसर इस तरीके से हम करेंगे कि सबसे पहली चीज आप इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में ये नोट कर लीजिए कि इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहती है हमेशा परपेंडिकुलर रहती है. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर रहती हैं. अब ये परपेंडिकुलर की हम डायरेक्शन अगर हम बता देंगे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता देंगे. तो इसके लिए आप यहाँ पे ये बात नोट करें कि ये जो चार्ज ए है वो पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज बी नेगेटिव चार्ज है. तो इस वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो हो जाएगी इट विल बी फ्रॉम ए टू बी एंड इट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस. ओके, तो डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इट्स डायरेक्शन विल बी फ्रॉम ए टू बी. ठीक है, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ये नोट कर लीजिए कि कभी भी कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस दी जाती है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन रहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहती हैं, वो हमेशा नॉर्मल रहती हैं, परपेंडिकुलर रहती हैं. ओके, तो इस तरीके से ये हम क्वेश्चन को आंसर करेंगे. टेकिंग क्वेश्चन नंबर 2.4 फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इस तरह से है. A spherical conductor of radius 12 cm has a charge of 1.6 into 10 to the power of minus 7 coulomb distributed uniformly on its surface. Okay, काफी simple condition दी गई है. What is the electric field inside the sphere, just outside the sphere at a point 18 cm from the center of the sphere? तो ये तीन parts का हमें answer देना है. तो देखते हैं ये question हम किस तरीके solve करेंगे. तो सबसे पहले हमने क्या करा, एक spherical conductor हमने अज्यूम कर लिया इस तरह से. ठीक है, इसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है और जो चार्ज है 1.6 into 10 to the power of minus 7 कूलम्स का, ये इसके ऊपर इस तरीके से सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ओके, तो हमें फर्स्ट पार्ट में बताना है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर. तो अगर हम स्फीयर के अंदर कोई भी एक पॉइंट लेंगे
ये इस तरीके से पॉइंट ले सकते हैं, तो ये पॉइंट हमारा कहीं पर भी लिया जा सकता है, बस पेयर के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो दिस पॉइंट ए कैन बी एनीवेयर। तो हमें बताना है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्पीयर। तो इसका आंसर इस तरीके से होगा, एज द स्पीयर इज कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी जीरो फॉर ऑल पॉइंट्स इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है। तो बिकॉज ये स्पीयर कंडक्टिंग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट जो स्पीयर के अंदर होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो के बराबर होगी, ओके। तो ये इसका ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। और अगर आप जस्टिफाइड रीजन देना चाहते हो तो इसका रीजन ये हो सकता है कि जैसे ही इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बननी स्टार्ट होगी तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट भी स्टार्ट हो जाएगा, और उसका नेट इफेक्ट ये बनेगा कि जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हमारी तब तक रहती है और इस हिसाब से रहती है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड उसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बना देगा, ठीक है। तो मोमेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बन जाती है, ओके। तो इस वजह से इनसाइड द कंडक्टिंग स्पीयर कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर किसी भी तरीके से बने, ओके। अब सेकेंड पार्ट लेते हैं। तो सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है कि व्हाट इज कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द स्पीयर। तो अगर हम एक पॉइंट लेंगे इस तरीके से जस्ट आउटसाइड द स्पीयर तो इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और ये पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, यहां ले लो, मतलब आपको जस्ट आउटसाइड द स्पीयर लेना, इट कैन बी एनीवेयर, ठीक है। तो इसे हम किस तरह सॉल्व करेंगे कि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द स्फेरिकल कंडक्टर इज गिवन बाय इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और जहां कैपिटल आर रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियस ऑफ द स्पीयर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके और आर की वैल्यू हम ये जो 12 सेंटीमीटर है इसे ऐसा यूनिट में मीटर्स में कन्वर्ट कर देंगे तो ये 0.12 मीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से 1/4πε0 की वैल्यू 9×10⁻⁹, क्यू की वैल्यू रख दी और आर की वैल्यू 0.124² ये आर स्क्वायर की जगह हमने वैल्यू प्लेस कर दी। इसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द स्पीयर मिल जाएगी। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करके हम ये लिख सकते हैं 9×1.6 ये 10⁻⁹, 10⁻⁷, 10⁻² बन जाएगा, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 होता है और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट दो प्लेसेस पे है तो ये 10⁻⁻², 10⁻⁻² का होल स्क्वायर 10⁻⁴ हो जाएगा, ठीक है। फर्दर इसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 14.4/144×10⁶, ओके ये हो जाएगा, ये कैंसिल कर देंगे तो नीचे 10 टाइम्स जाएगा तो ये 1/10×10⁶ या 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द स्पीयर होगी 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ओके। अब हमें सी पार्ट में भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट अ पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पीयर, ठीक है। तो ये पॉइंट यहां पे हमने अज्यूम कर लिया और ये डिस्टेंस हमारी स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करी जाएगी, ये 18 सेंटीमीटर के बराबर है, मतलब ये पॉइंट ये सेंटर और इस पॉइंट ए के बीच की डिस्टेंस है वो 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेरिकल सर्फेस एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर इज गिवन बाय इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर या सिंपली आर स्क्वायर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हमें आउटसाइड निकालनी है, जो पॉइंट वेल आउटसाइड है, ऑन द सरफेस नहीं है, वेल आउटसाइड है, तो उसके लिए ये इस फॉर्मूले में जरा सा हम इस तरीके से चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब बस वैल्यूज प्लेस करनी है और आंसर निकालना है। तो क्यू की वैल्यू 1.6×10⁻⁷ कूलम्स और आर की वैल्यू 0.18 मीटर के बराबर प्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 9×10⁻⁹ × 1.6×10⁻⁷ / 0.18 होल स्क्वायर। इसे लिख सकते हैं 9×1.6 ये हो जाएगा 10⁻⁹ × 10⁻⁷ 10⁻² इसे लिख दिया 18×18×10⁻⁴ ये कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2 टाइम्स जाएगा और फिर यहाँ पे मिल जाएगा 0.8 तो ये हो जाएगा 0.8/18×10⁶, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.44×10⁶ जिसे हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया 4.4×10⁵ न्यूटन पर कूलम उसका यूनिट, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ही हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। टेकिंग क्वेश्चन नंबर 2.5
from the chapter Electrostatic Potential and Capacitance. The question is, a parallel plate capacitor with air between the plates has a capacitance of 8 pF. What will be the capacitance if the distance between the plate is reduced by half and the space between them is filled with a substance of dielectric constant 6? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफी सिंपल है. ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले हमने ये मान लिया कि ये हमारा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है. ओके, तो अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें तो उसका जो कैपेसिटेंस दिया जाता है, इट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, सी इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, जहां के डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, ए एरिया ऑफ द प्लेट है और डी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है. ठीक है, तो इस कैपेसिटर, तो हमने ये मान लिया कि ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जो इस क्वेश्चन में जिसकी बात करी गई थी, ये वही कैपेसिटर है और इसका कैपेसिटेंस 8 पीएफ है. तो कैपेसिटेंस जो 8 पीएफ का है, उसे ऐसा यूनिट में हम लिख सकते हैं, 8 × 10⁻²⁻¹². और यहाँ पे रिलेशन भी गिवन है, 1 पीएफ इज इक्वल टू 10⁻²⁻². ओके, तो सिंस यहाँ पे ये बोला गया है कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इट इज हैविंग एयर बिटवीन द प्लेट्स, उसके प्लेट्स के बीच में एयर है, तो हम लोग यहाँ पे डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के लेंगे, बिकॉज डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो एयर के लिए होता है वो 1 के बराबर होता है. ठीक है, डी की वैल्यू हमें पता नहीं है, ए की वैल्यू पता नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली के की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 8 × 10⁻¹² प्लेस कर देंगे, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 8 × 10⁻¹² इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी. अब सी डैश हमारा न्यू कैपेसिटेंस है. न्यू कैपेसिटेंस किस कंडीशन में, जब हमने डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स को रिड्यूस कर दिया है हाफ से, मतलब पहले जितनी भी डिस्टेंस होगी उससे हमने हाफ कर दिया है. ओके, तो जो और द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद द सब्सटेंस विद डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के, तो के हमारा डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है उस मटीरियल का जिसके जो हमने इन प्लेट्स के बीच में रखा हुआ है. ठीक है, सेकंड केस में तो डिस्टेंस इसकी हाफ हो गई है और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने 6 रख दिया, तो इस तरीके से हम एक कैपेसिटेंस मान लेंगे जिसकी डिस्टेंस हाफ हमने रिड्यूस कर ली है, उसके बीच में डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये हमने फिल कर दिया है, और अब हमें इसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है. सी डैश इज द न्यू कैपेसिटेंस, तो ऑब्वियसली फॉर्मूला तो यही लगेगा. ठीक है, तो सी डैश की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, के एप्सिलॉन नॉट ए होल अपॉन डी अपॉन 2. ठीक है, तो यहां पे हम एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी की वैल्यू तो हम 8 × 10⁻¹² रख सकते हैं, के की वैल्यू 6 और ये 2 हमारा ऊपर चले जाएगा, तो हमें मिलेगा 6 × 2 × एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, तो ये हो जाएगा 12 × 8 × 10⁻¹². ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट ए की वैल्यू हमने प्लेस कर दी थी, 12 × 96 × 10⁻¹², तो 10⁻²² को हम लोग लिख देंगे फिर से पिको फैरेड के टर्म्स में, तो जो सी डैश की वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 96 पीएफ, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा. तो इस तरीके से ये हम क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे. टेकिंग क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इस तरह से है, 3 कैपेसिटर्स, ईच ऑफ कैपेसिटर्स 9 पीएफ आर कनेक्टेड इन सीरीज. ठीक है, तो 3 कैपेसिटर्स जिनके कैपेसिटेंस सेम है, 9 पीएफ के बराबर है, उन्हें हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है. ए पार्ट में बताना है व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, और बी पार्ट में बताना है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 120 वोल्ट सप्लाई. तो पहले पार्ट में टोटल कैपेसिटेंस और दूसरा पार्ट दैट इज बी पार्ट में हमें बताना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर. ठीक है, तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहली बात जो हमें समझनी है कि हमने इन कैपेसिटर को कनेक्ट कैसे करा है. तो इस तरीके से हमने कैपेसिटर्स को कनेक्ट करा है, तीनों के कैपेसिटेंस सेम है और ये कॉम्बिनेशन हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है. तो सीरीज कॉम्बिनेशन जो तीनों कैपेसिटेंस का गिवन है, इसका हमें टोटल कैपेसिटेंस निकालना है ए पार्ट में, और बी पार्ट में हमें ये बोला गया है कि अगर हमने क्या करा है, ये जो कैपेसिटर है
ये जो कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन है 120 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है, तो हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ए पार्ट के लिए हमने यहां पे ये रिजल्ट यूज करा है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ एन कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज इज गिवन बाय 1 अपॉन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटेंस प्लस द रेसिप्रोकल ऑफ द सेकंड कैपेसिटेंस प्लस द रेसिप्रोकल ऑफ थर्ड कैपेसिटेंस एंड सो ऑन अप टू द nth कैपेसिटेंस। ठीक है, मतलब जो रेसिप्रोकल होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, दिस विल बी इक्वल टू सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस विच आर कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, और यहां पर तो बहुत ही सिंपल कंडीशन है, C1, C2, C3 आपस में इक्वल है और तीनों की वैल्यू C के बराबर है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन सी, या ये तीनों का टोटल हो जाएगा 3 अपॉन सी, जिसे हम लोग लिख सकते हैं 3 अपॉन 9, या 1 अपॉन 3 हो जाएगा, तो 1 अपॉन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 3 PF। ओके, तो 3 पिको फैरेड हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया इन तीनों कैपेसिटर्स का। ओके, अब हम बी पार्ट को सॉल्व करेंगे, तो बी पार्ट को सॉल्व करने का जो तरीका है वो दो तरीके से सॉल्व करा जा सकता है। एक तो हम सिमेट्री से इसका डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, ओके, कि भाई ये तीनों कैपेसिटर सेम है, ठीक है, सीरीज में कनेक्टेड हैं और 120 वोल्ट सप्लाई के अक्रॉस कनेक्टेड है, तो जो हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा दैट विल बी इक्वल टू 120 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 40 वोल्ट। तो ये सिमेट्री से इसका आंसर दिया जा सकता है, लेकिन ये आंसर बोर्ड एग्जाम में हो सकता करने में अच्छा ना लगे। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम या ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है। ठीक है, तो इसे हम एक कॉन्सेप्चुअल अप्रोच से सॉल्व करेंगे, जिसका बेनिफिट आपको आगे की एक्सरसाइज में भी मिलेगा और आगे के जो कैपेसिटेंस चैप्टर है उसमें भी हो सकता है आपको बेनिफिट मिले। तो इसके लिए हमने ये लिख दिया कि जो रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा इस कॉम्बिनेशन के लिए, तो 1 अपॉन सी क्यू विट बी इक्वल टू 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन सी। ठीक है, अब सीरीज कॉम्बिनेशन की एक खास बात होती है कि तीनों कैपेसिटेंस के ऊपर सेम चार्ज रहता है। ठीक है, व्हेनेवर द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज ऑल द कैपेसिटर्स टेक द सेम चार्ज, तो जितना चार्ज इस पे होगा उतना ही चार्ज इस पे होगा और इतना ही चार्ज इस पे होगा, और जो नेट चार्ज होगा इन तीनों कॉम्बिनेशन का दिस इज इक्वल टू द चार्ज ऑन एनी कैपेसिटर। ठीक है, और इसका रीजन क्या है कि जितना चार्ज फर्स्ट कैपेसिटर लेता है वो इंडक्शन के द्वारा, ठीक है, इंडक्शन के द्वारा दूसरे के ऊपर प्रोड्यूस हो जाता है एंड सो ऑन। तो हम यहां पे ये कह सकते हैं कि जो तीनों कैपेसिटर्स होंगे C1, C2 और C3 तीनों के ऊपर सेम चार्ज रहेगा, दैट विल बी इक्वल टू क्यू, और ये क्यू चार्ज की वजह से ही इनके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और ये इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस रहेगा उसके ऊपर भी ये चार्ज क्यू रहेगा, तो इस वजह से हम पूरी इक्वेशन को हम क्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, Q अपॉन C की वैल्यू पोटेंशियल के बराबर होती है, तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंट पोटेंशियल इज इक्वल टू V प्लस V, या इक्विवेलेंट पोटेंशियल हमारा जो है वो 3V के बराबर हो जाएगा, तो V की वैल्यू V इक्विवेलेंट अपॉन 3 लिख सकते हैं, V इक्विवेलेंट हमारा 120 है, तो 120 अपॉन 3 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू 40 वोल्ट। तो इस तरीके से जो है हम ये कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल रहेगा अक्रॉस ईच कैपेसिटर दैट विल बी इक्वल टू 40 वोल्ट्स। ओके, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। टेकिंग क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इस तरह से है, थ्री कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2PF, 3PF एंड 4PF आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये तीन कैपेसिटर्स हैं, इन्हें हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ए पार्ट में बताना है व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। ओके, और बी पार्ट में बताना है डिटरमिन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कलेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई। ओके, तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले
हम इन तीन कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ओके, तो जब हम क्या करते हैं, कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो उनकी एक प्लेट को या तीनों कैपेसिटर्स की फर्स्ट प्लेट को इकट्ठा कनेक्ट कर देते हैं और सेकंड प्लेट को इस तरीके से इकट्ठा कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन बनता है, इट इज नोन एज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो ये हमारे कैपेसिटर्स हो गए जो कि हमने पैरेलल में कनेक्ट करे हैं, ये इनकी कैपेसिटेंसेस की वैल्यू हो गई। ओके, और सिंस बी पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है, डिटरमिन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, तो इस तरीके से बी पार्ट में 100 वोल्ट सप्लाई से इस कॉम्बिनेशन को हमने कनेक्ट कर देना है। ओके, और फिर हमें निकालना है बी पार्ट में कि चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर कितना होगा। तो आइए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अगर कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्ट करे जाते हैं तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है, इट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू CN, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। ओके, तो इस हिसाब से जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 4 या 9 PF। ओके, तो ये तो बहुत सिंपली सॉल्व हो गया। इसी तरीके से बी पार्ट को भी हम सिंपली सॉल्व कर लेंगे। अब क्या है कि तीनों कैपेसिटर्स सेम वोल्टेज पे कनेक्टेड हैं, ठीक है, और कैपेसिटेंस उनका डिफरेंट डिफरेंट है, तो अपने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वो क्या करेंगे, चार्ज ऑब्जॉर्व कर लेंगे। एंड वी नो दैट क्यू इज इक्वल टू CV, तो चार्ज ऑन C1 हम लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू Q1 है, दिस विल बी इक्वल टू C1 इनटू V, तो इसकी वैल्यू जाएगी 2 × 10⁻¹2, क्योंकि पहले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है 2 PF, 2 PF का मतलब 2 × 10⁻¹2 इंटू 100, तो जाएगा 2 × 10⁻¹10 कूलम्स। सिमिलरली चार्ज ऑन द सेकंड कैपेसिटर C2, इसकी वैल्यू हो जाएगी Q2, दिस विल बी इक्वल टू C2V, जिसकी वैल्यू 3 × 10⁻¹2 इंटू 100 या 3 × 10⁻¹10 कूलम्स आ जाएगा। इसी तरीके से चार्ज ऑन C3 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 × 10⁻¹10 कूलम, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे।